वहां से डायरेक्ट आ सकते थे, लेकिन इन्होंने वहां की जगह ऐसे निकाला है। किशन जी, किशन जी यहाँ पे भी आए थे क्या जी? यहाँ का हालात ये है कि मच्छी मार्केट लग रही है मेरे को। आज अगर ये एकदम से अभी खड़े हो जाएं और कुछ बोल पड़े तो मजा ही नहीं आ जाएगा। अगर पानी इतना नीचे है तो ये निशान के ऊपर तक नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी हाई टाइड और लो टाइड का सीन है। जब हाई टाइड आती हो ओके टेंपल 30 मिनट ओके। तो हेलो वेतन, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, फुल और मस्ती चल रही है। तो जब भी आप आएंगे आपको ऐसे ही प्यार मिलने वाला है वियतनाम के अंदर। तो एक बार इन सबसे आप मिल लीजिए। थैंक यू। चलो तो यू टाइम टू गो। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate. वहां से डायरेक्ट आ सकते थे, लेकिन इन्होंने वहां की जगह ऐसे निकाला है। वेलकम टू ट्रायंगल। दोस्तों ये है सेकंड एक्टिविटी जो अभी हम वियतनाम में आने के बाद कर रहे हैं। पहली थी हमारी स्पेसिफिकली जो हमने ट्रिप ली थी अभी हमारा कैटबा आइलैंड की। अब ये सेकंड एक्टिविटी है हमारी जो हम ले रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं। और ये देखिए कल्चर दिखाने के लिए तरीका। किशन जी, किशन जी यहाँ पे भी आए थे क्या? तो जी कल्चर देखिए अलग हो लेकिन रिलीजन अलग हो लेकिन चीजें जो है वो सेम है। So fight and fight and die for the things you know you love। तो ये एंट्री हो गई है हमारी। And see life to what you want। So fight and fight and die for the things you know you love। To what you think is right। जी यहाँ का हालात ये है कि मच्छी मार्केट लग रही है मेरे को, कि जैसे मच्छी मार्केट होती है। ये देखिए, अरे भैया नहीं, अरे 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 अरे, ये है बोट्स। वाव, बहुत तबो बोट। ये देखिए कैसे खिसकाते रहेंगे। तो तो जी आ रहे हैं हमारे साथी और आ चुके हैं। और ये रही बोट, चार लोग एक बोट में बैठेंगे। I feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things.
पहननी है, ये जैकेट पहननी है और चलना है। गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, बहुत तेज़ धूप है, जलाने वाली धूप है दोस्तों। इससे पहले मैं पूरा जल जाऊँ, एक बार सनस्क्रीन दोबारा लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। वाह जी वाह, क्या ही मजे हैं जी बल्ले। तो रूट वन के लिए वहाँ से जाना है, रूट वन एंड थ्री, और रूट टू यहाँ से जाता है। हमने लिया है रूट वन। तो बेसिकली जो यहाँ का रूट वन है वो सबसे बड़ा है, करीब थोड़ा चेहरा मेरा आपको ऐसा दिखेगा, वो थोड़ा सा सनस्क्रीन मेरे ओवर लगाया गया है मेरी वाइफ द्वारा, क्योंकि मेरे को बचाना है उसने सूरज से, मैं पूरा काला होने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है दोस्तों, इतनी इतनी तेज़ गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा एक्सपीरियंस है फिलहाल, बहुत प्यारे प्यारे सीनरिक व्यूज़ हैं यार, देखिए आप इन्जॉय करिए हमारे साथ। मेरे को थोड़ा सा मछली ढूंढ रही है, अगर कोई मछली मिल जाएगी तो मज़ा आएगा। All I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Yeah, बहुत गर्मी है। आप जब भी यहाँ पर आए तो यार इवनिंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग आए, धूप में आके तो आप मतलब अपनी ज़िंदगी ख़राब करने वाले हैं यार, टोटल काले होने वाले हैं आप। कोई फ़ायदा नहीं है इतना काले होने का, इतनी गर्मी झेलने का, तो ये आपने पाप थोड़ी किया है। पैसे भी दोगे और झेलोगे भी, जैसे कि अभी मैं झेल रहा हूँ। खैर मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि मेरा सेटअप, मेरा ट्रेन का सारा सिस्टम शेड्यूल ऐसा बना कि कुछ नहीं कर सकता था। आपको मिलवाते हैं हमारे गाइड से। सो ये वियतनामीज़ हैं यहाँ के लोकल, इनको नहीं आती है बिल्कुल भी इंग्लिश, तो अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो इनको नहीं समझ में आएगा। हेलो, सो सेइंग हेलो, हाय। सो बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के यार, बहुत सुंदर लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कैमरा देख के चिढ़ जाते हैं कि व्हाई यू आर रिकॉर्डिंग अस, और ख़ास करके वेस्टर्न, अगर आप लोगों को देखोगे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, उनके अंदर खास करके ये प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि पता नहीं जैसे वो लोग क्या हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है लोगों के, लोकल लोगों के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा आप रॉक फॉर्मेशन देख लो आप पास से, और ये सामने आ चुका है अब यहाँ का ड्रैगन। ड्रैगन है यहाँ पे रॉक के अंदर, रॉक फॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन। तो अब यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ पे उतरेंगे हम, यहाँ पे उतर के हम इसको देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी कैसा व्यू है, कैसा पता चलता है अंदर जाके। वो नंबर है 882। हाँ एंडा आप डालो। डालो मजा आ रहा है। हाँ ये बड़ी वाली है, देखो नहीं है।
वो करवाना भी नहीं है। तो अब दोस्तों आगे चलने का टाइम है और आपको दिखाते हैं हम, ये है फिश और ये पत्थर के बना रखे हैं इन्होंने, जबरदस्त एक्सपीरियंस है यार। लुक एट द व्यू, मेरे को त्रिशूल याद आ रहा है इसको देख के, शिव जी का, और ये मेरे को नंदी जी के सिंह दिख रहे हैं। तो कुछ कुछ वापस से अगर मैं देखूं तो हो सकता है लोग बोलें कि मैं इन्फ्लुएंस्ड हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं और पंडित हूं, लेकिन शायद अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये कुछ कुछ लग रहा है वैसा ही। ओ वाओ, देखिए जापनीज टेम्पल, इसका जरा वाइड एंगल कैप्चर करा जाए। यहाँ पे लोग अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जापनीज में प्योर जो मेरे को नहीं आती है। और ये है हमारे यहाँ का पीपल का पेड़, या आई थिंक यस पीपल का पेड़ ही है ये। तो ये यहाँ पे कुछ आइटम्स मिल रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मिलता है नॉनवेज, पता तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है, नॉन वेज फूड मंदिरों के आसपास नहीं आता, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अलग अलग कल्चर अलग अलग मान्यता है। बाकी मुझे लग रहा है यहाँ पे एक चीज मुझे खाने लायक दिख रही है, वो है ये, मतलब पॉपकॉर्न्स। और इस एंगल से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टेंपल कुछ और ही कहता है भाई यार। ये तो शायद बांस के पेड़ है, बांस बोलते हैं इसको या क्या बोलते हैं भाई साहब। मैंने आज तक कभी इतने लंबे लंबे नहीं देखे, हालांकि मैंने कभी देखे ही नहीं है उगते हुए। मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर देखा है, वो इसको तोड़ के काट के बोट बनाई है उन्होंने कई बार। इतने लंबे होते हैं ये, कहाँ तक जा रहे हैं ये, वाह। देखिए पूरा का पूरा जापानीज आर्किटेक्चर है ये, आई बिलीव ये गरुड़ लग रहा है मुझे ऊपर, गरुड़। आई डोंट नो ये गरुड़ है राइट में और लेफ्ट में है ड्रैगन, तो ये आई टू आई देख रहे हैं एक दूसरे को। बोट ड्राइवर जो है वो हमारे को बुला रही है, कह रही है जल्दी आइए जल्दी आइए। यार थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, आई थिंक इनका कोई स्पेसिफिक टाइम होगा इसके अंदर इनको देखना होता है दिखाना होता है। माइंड योर स्टेप, और ये देखिए फुल ऑन गोल्ड
आज अगर ये एकदम से अभी खड़े हो जाएं और कुछ बोल पड़े तो मजा ही नहीं आ जाएगा। वाओ वाओ यार वाओ ऑसम। आई डोंट नो ये प्योर गोल्ड है या गोल्ड पॉलिश है, जो भी है बहुत सुंदर है यार। और खास करके ये पॉट्स, ओ फिर आप देख पाए इसके अंदर प्रॉपर हट बनी हुई है यार। कोई नहीं, छू लेता हूँ एक बार तो एंग्रेव है इसके ऊपर यार, बाहर निकला हुआ है। देखिए सामने दिखाई हुई है भाई, अलग ही कल्चर है ये, टोटल ऑसम। चलिए ये था हमारा फर्स्ट इस टेंपल टू ट्रायंगल लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स का। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं ये लास्ट बचा है हमारा। यहाँ पे पीतल के आई थिंक इन्होंने ये लगा रखे हैं, इनके भगवान या किंग जो भी ये फॉलो करते हैं उनकी फोटो। और आगे अंदर जाके गोल्ड में है। और यहाँ के गेट देखिए यार, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं फटाफट हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हमारी बोट वाली परेशान हो चुकी है, तो किसी और को ना ले जाए और हम आ गए। डूब जाती हुई। फिलहाल अब हम एंटर करने वाले हैं हमारी पहली केव के अंदर। भाई साहब धूप का क्या ही हाल बचाएं बताएं, इतनी धूप जिंदगी में मेरे को नहीं लगा था सूरज इतना भी गर्म है और इतना बुरी तरीके से जला सकता है। भाई साहब बैंड बजा दिया बैंड। और अब हम एंटर करने जा रहे हैं पहली केव में हमारी। तो जी टाइम टू एंटर द केव। हैंग टॉय केव, इसको तो एक फिल्टर डालना बनता है वैसे। तो जी हैंग टॉय केव के अंदर घुस रहे हैं और स्टेटस बनाने की कोशिश। अब अपने हमें सर बचाने हैं और हमारे को देखना है कि हम चिंते हैं या नहीं। हमारा नहीं गिरा तो सर बचाइयो वीडियो से पहले। भाई साहब हेलो हेलो यार, कैसे इन्होंने यहाँ पर लाइटें लगाई हैं। ये जब डिस्कवर करी होंगी तो क्या ही मज़ा आया होगा यार डिस्कवर करने वालों को। अब यहाँ पे पता नहीं कभी भी अगर हाई टाइड हो गई या कभी भी बाढ़ टाइप आ गई तो क्या ही होने वाला भाई। लेकिन बहुत अब देख अब इसके अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, कोई धूप नहीं लग रही, बस इसी के लो पानी भी टपक रहा है इसके अंदर यार। उत्तरी 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 मेरे कैमरे पे नहीं है। प्लीज 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 प्लीज। ओह नो गिरा 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 गिर गया, नहीं बच पाया मेरा मोबाइल। तो दोस्तों केव्स देखिए आप यार, क्या कभी आपने ऐसी कुछ केव्स देखी, कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में किया। ओह सर बचाइए सर बचाइए। भाई साहब मैं हाथ बढ़ाऊँ तो मैं इनको छू सकता हूँ। हैंड डाउन नहीं छू सकते, हेड डाउन। भाई साहब वियतनाम आओ, केव्स में ज़रूर आओ और ख़ास कर ये वाली में। लेवल वन जो इनका है वो ही चूज़ करना भाई साहब। ऑसम बिल्कुल ज़बरदस्त।
डाउन बच गया फिर टिंडी फूट गई थी लगभग दोस्तों बाल बाल बची है और ये केक कटोर हमारा खत्म होता हुआ जाते जाते चमगादड़ की आवाज आ रही है हमारे को दोस्तों ये ओ वाओ वाओ व्हाट अ व्यू व्हाट अ व्यू और यहाँ से सेकंड केव स्टार्ट होने वाली है एक केव हमारी हो चुकी है तो जी सेकंड केव स्टार्ट हो रही है ज़रा सेकंड केव का नज़ारा लिया जाए आपको मैं लाल लाल दिख रहा हूँ वो लाल लाल मैं इस वजह से हो रहा हूँ क्योंकि धूप इतनी और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ फुल ऑन लाल हो चुका हूँ मैं फुल हीट इसका नाम टेंसांग केव बचना भी है बोट भी बचानी है ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हुए तो बोट पलट जाएगी और ये कितना गहरा है ये मेरे को नहीं पता है लेकिन आई थिंक काफ़ी गहरा है बस ये तो अच्छी बात है कि जो ये बोट चला रही है ये फुलॉन एक्सपर्ट्स हैं ये देखो किस तरीके से घुमा के इन्होंने टोपी पहन इनको पता है कि कब क्या करना है और शायद अब हमारा भी टाइम आ गया है छाता खोलने का तो छाता उठा के दे दिया जाए बीवी को लो बीवी छाता खोलेंगे जान बचाएंगे धूप से ये देखिए आप नीचे पानी में देख रहे हैं आप ऐसा लग रहा है जैसे लूफा हो जो आप नहाते टाइम यूज़ करते हैं इस पाथ के ऊपर खाली हम ही लोग आए हैं आई डोंट नो कि क्या रीज़न है या तो ये सेफ नहीं है या फिर दूसरे पाथ ज़्यादा बेटर है आई डोंट नो लेकिन इसके अंदर 15 स्पॉट्स से जो कवर हो रहे हैं बाकियों के अंदर 10 और 9 थे तो हमने तो अपने हिसाब से यार बेस्ट वाला चूज़ किया है बाकी देखते हैं लेट्स सी अभी तक का तो एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है पैसे वसूल कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हो जाते हैं मज़ा तो तब आएगा अगर यहाँ हमारे को एक क्रोकोडाइल दिख जाता है तो कैसा एक्सपीरियंस है जी अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत पैसा दिया था इसके लिए लेकिन कहीं ना कहीं वर्थ इट है ना बहुत सुंदर है वियतनाम यार ये ज़्यादा डीप नहीं है मैं सोच रहा था पता नहीं कितना ही डीप होगी ये इसमें आराम से खड़े हो सकते हैं बस ये जो चीज़ें हैं ये मुझे नहीं पता ये कौन से पौधे हैं और ये ऊपर क्यों आना चाहते हैं पानी के निशान इतने ऊपर तक क्यों हैं अगर पानी इतना नीचे है तो ये निशान इतने ऊपर तक क्यों हैं इसका मतलब यहाँ भी हाई टाइड और लो टाइड का सीन है जब हाई टाइड आती होगी तो ये पूरा का पूरा ऊपर तक आ जाता होगा और ये आप देख रहे हैं हिडन ट्रेजर पहले के ज़माने में इसी तरीके से ट्रेजर्स को संभाल के ऐसे रखा जाता था गुफाओं के अंदर लेकिन ये तो मुझे लग रहा है या तो ये कोई टेम्पल है या फिर ये कोई सेरेमनी है जो कि परफॉर्म होती है यहाँ पर भाई साहब आई थिंक इनके अंदर दारू है इनके अंदर वाइन है अरे वाह यहाँ पे लाए कैसे होंगे और रखा कैसे होगा कहीं कहीं बहुत गहरी है सुंदरता और शांति ये दो चीज़ें जो दिमाग में आ रही है इसको देखते हुए और इस व्यू को देखने के बाद तो निकल रहा है सेक्सी तो SSS लेकिन ये एक टेंपल है जहाँ पे अभी हम वेट करेंगे यहाँ से आई थिंक हमारी बोट भी चेंज हो जाए क्योंकि ये बहुत देर तक बेचारे चला के लाई है हमारे को जो हमारी सहायक हैं यस टेम्बो चल
ओके टेंपल टेंपल चन 30 मिनट ओके तो हमारे पास 30 मिनट हैं इस टेंपल को एक्सप्लोर करने के लिए। ये काफ़ी लंबा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ये और ये वहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे है डेंट्रान पैन टेम्पल। मैं उनको कह रहा हूँ कि क्या वो गोदी ले लेंगी मेरे को, तो वो मना कर रही है शायद। हम वी आर टू, वन ऑन दिस शोल्डर अदर वन इन दिस शोल्डर। नो नो वहाँ देखो बैठी।